जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मंदिर में हमने ब्लॉग का एंड कर दिया था और एक ब्लॉग एंड करने के बाद हमने दूसरे ब्लॉग की शुरुआत कर लिया था। तो भोले बाबा को पूजा पाठ करने के बाद, सब भगवान जी को प्रणाम करने के बाद और हम बहनें अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं घर, और डेली ऐसे पूजा की थाली सजा करके लाते हैं और डेली ऐसे लेकर के जाते हैं। तो ये बहन ना ऐसे सामने वाले मकान में रहती हैं और आने के बाद ना एक गिलास पहले पीते हैं, पानी लग जाते हैं कामों में। गाय जी देखिए, लक्ष्मी की मम्मी लाई है अपनी बाग से, क्या लाई है? चौराई। चौराई और आज मीना बनाएगी चौराई की सब्जी, दिया वाली सब्जी बनाएगी। हम अपनी बहनों का, भतीजियों का कितना कहना मानते हैं। आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी मंदिर से आने के बाद तुरंत बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, तो वही बात हमको याद थी। तो आज ना भोले बाबा इतना बड़ा हमको काम ही दिए हैं कि पूरा 1.5-2 घंटे लग जाना है। तो यहाँ पर मीना हंसिया उसिया ले आई हैं, हंसिया चक्कू सब ले करके बैठी हुई हैं और पहले पी रही पानी, क्योंकि पूजा पाठ में ना मंत्र बोलते बोलते इतनी प्यास लगने लगती है। और हम तो यही कहेंगे, हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आप बहुत ही पूजा पाठ करते हो, तो हम तो यही कहेंगे कि शक्ति में ही भक्ति है। और ऐसे ही माँ भगवती भोले बाबा सभी को शक्ति दें। हमारी बहनें आप लोग भी भक्ति भजन में लग जाइए, क्योंकि यही सत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है। एक ये जो भी ये महल अटारी है ना, अपना कुछ भी नहीं है, और सत्य यही है, ईश्वर का भजन है। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग भी इसी तरह लगे रहिए, माँ भगवती सबको शक्ति दे। भाजी हम लोग लेकर के बैठे थे चौराहे की, दूसरी भाजी भी आ गई। ये कौन सी भाजी है? नारी, नारी का साग है। लक्ष्मी की मम्मी भी हमारी हेल्प कर रही है, नारी की साग को क्या करा रही है, साफ करवा रही है। बिल रही। और मीना हसिया से काट रही है, पहले काट रही चौराई, और यहाँ सब डिस्कस कर रहे हैं कि चौराई की भाजी कैसे बनाएं। मीना कह रही है सूखी भाजी बनाएं, कभी कह रही है इसको बनाएं जैसे हम लोग चने का साग बनाते हैं, मूंग की दाल डाल करके, चावल डाल करके, तो उसी तरह बनाएं। अब देखो आज इसका क्या बनने वाला है, शाम तक कौन सी भाजी बनने वाली है, दोनों में से कौन सी भाजी बनने वाली है। और जैसे कि है दिन गुरुवार, ये भाजी ना बिना लहसुन के नहीं बनती है, है ना लहसुन मम्मी? इसमें लहसुन जरूर पड़ती है, जरूरी है लहसुन। और क्या की सब्जी में इसमें चाहे प्याज और नहीं पड़ती है। मंदिर से आने के बाद ना भोले बाबा कितने बड़े काम में लगा दिए, हरी हरी घास दे दी है चारों तरफ, हम लोग बीच में बैठे हैं, चारों तरफ घास रखी हुई। हम लोग ना बाहर के लॉन में ही बैठ गए थे और इतनी तेज़ वाली गर्मी थी, फ़ैन भी ऑन है। और ये हरी सब्जी घास घूस वाली ना अकेले का काम नहीं रहता, इसमें ना 2-3 लोग बैठ जाओ, बातें भी करते जाओ, तभी सही रहता है। अगर कभी भी आप लोग सोचो कि सुबह वाली सब्जी बनाए तो नहीं बना सकते हो, तो यहाँ पर हम छाँटते भी जा रहे हैं। और पूरा 1.5-2 घंटे हमको लग गए थे काम करते करते, टाइम ना 6:30 बज रहे थे, तो हम आ गए हैं अब किचन में। और यहाँ पर एक कटोरी निकाल लेते हैं अरहर की दाल, 2 कटोरी निकाल लेते हैं चावल, क्योंकि कितना भी घास घूस वाली सब्जी बनाएंगे तो हम ही लोग खाएंगे, ये खाने वाले नहीं है, ना बच्चे खाने वाले हैं। तो इन लोगों के लिए ना हमको दाल चावल और जैसे हमेशा दाल फ्राई करते हैं वैसे हम सब कुछ करना पड़ेगा। और जो हरी वाली सब्जी बनाएंगे ना, हम मीना हम लोग भी खा सकते हैं, मीना का तो फास्ट है गुरुवार का, लेकिन हम ही लोग खाएंगे। तो ये हम लोगों की ना रात के डिनर की तैयारी हो रही है। तो अपने मायके की दाल है ना देसी वाली, इसको ना हमको भिगो करके नहीं रखना पड़ता है, तुरंत धुलते हैं, तुरंत कुकर में डालते हैं। 1 चम्मच अब इसमें डाल देंगे हम नमक, और ये गड़ुआ भर करके रख लेते हैं ना, तो सप्लाई वाला पानी जैसे नहीं आता है तो ये हमारे खाना बनाने के लिए सही से हो जाता है, क्योंकि पानी आता है 7:30-8 बजे। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक, 2 चम्मच हमने हल्दी डाल दिया, रख देते हैं स्लो गैस में, आराम से हमारी दाल पकती जाएगी। तो हमारे शाम के अब काम शुरू हो रहे हैं। और आज तो ड्रेस भी नहीं बच्चों के धुलना है, क्योंकि गुरुवार वाले दिन ना कोशिश यही रहती है कि सुबह दोपहर शाम कपड़े ना धुलें तो ज़्यादा ही अच्छा है, जितने भी कपड़े हैं सब रखते जाते हैं। और यहाँ पर वैसे भी छाना साफ चावल रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत ना देखना पड़ता है, चावल भी हम धुल करके रख देते हैं। तो ये अपने काम हो रहे हैं। और अब मीना बनाने वाली है यहाँ पर ग्रीन वाली सब्जी, तो ये देखिए इतनी सारी लहसुन और मिर्चा डाल करके ये वाली सब्जी बनती है, चौराई की और नारी की साग की ना दोनों को मिक्स करके सब्जी बना रही हैं। और इसमें 1-1 चम्मच हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, यही सब डालेंगी। और इसके बाद ना आलू को अच्छे से भूंज लेंगी, भूंजने के बाद ना ये देखिए सब्जी भी इसमें हरी वाली डाल देंगे। और ये वाली सब्जी ना बहुत ही टेस्टी रहती है, आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, तो हमको तो बहुत ही पसंद है ये वाली सब्जी। और इसके बाद ना
कुकर की सीटी भी निकल गई है, तो दाल भी हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इनको बिना प्याज और टमाटर वाली दाल तो इनको बहुत ही पसंद है। जब तक नहीं हम फ्राई करेंगे तो ये दाल नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को देखने चले गए ना, तो ओम तोम सोहा भी हो गया हमारी, यानी प्याज जल गई। हम सोच रहे हैं कि आज हमको बहुत ही डांट पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर से हमने हरी धनिया भी डाल दिया है। अब डाल देते हैं दाल और अच्छे से इसको मैश कर देते हैं कि अच्छे से हो जाए। और आज ने गुस्सा ज़रूर होंगे कि तुमने काली काली दाल क्या कर दिया है। तो कभी कभी हो जाता है हम बहनों से, क्योंकि शाम को ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। चावल भी हमारा पक गया था, निकाल देते हैं सबका रात का डिनर। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, बच्चे भी सब बैठे हुए हैं, और ये भी नहा धो करके डेली शाम सुबह इनको नहाना पड़ता है, क्योंकि इतनी तेज वाली गर्मी है। मनु भी इधर कर रहे हैं अभी पढ़ाई, तो हमारे अब रात के अपने काम शुरू होंगे। टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, और आप लोगों को ना अपना ड्रेस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नाइट ड्रेस ना कुछ अलग सा रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है कि ऐसे ड्रेस में हम ब्लॉक के सामने आए। तो यहाँ पर रात में ही गैस को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, बर्तन काफ़ी हो जाते हैं साफ़ करते करते ना 10:30-11 बज जाते हैं, क्योंकि शाम के भी काफ़ी काम हो जाते हैं। 1.5-2 घंटा तो बच्चों को ही देखना पड़ता है, और बर्तन धुलने के बाद ना पूरे बर्तन ऐसे ही लगा देंगे, और हमको किचन साफ़ करने ना पूरा 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखिए अपनी लाल लाल चुनरिया ओढ़े हुए हैं बजरंग वाली के कलर की। तो इधर हमारी गैस भी साफ़ हो गई है, बर्तन भी हमने साफ़ कर लिया, पूरे बर्तन सूख जाएंगे। तो सुबह ना इनको स्टैंड में लगाएंगे, और ये वाली जो उस दिन स्टील की कढ़ाई लाए थे ना बहुत ही अच्छी है, इसमें ताव बहुत अच्छा आता है और जलती भी नहीं है, तुरंत साफ़ भी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी कढ़ाइयाँ ना हमको बहुत ही पसंद है, इसीलिए तो ले करके आते हैं। रात में हमने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया है, तवा रख देते हैं। इसके बाद एक दूसरे दिन का ब्लॉक है, यानी शुक्रवार का, तो टाइम ना 9:30 बज रहे हैं, और जैसे हमेशा सुबह के अपने काम होते हैं पूरे कामों से खाली हो गए थे। ये भी गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल, तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद ना हम बैठ गए हैं लेकर के पंचमेवा, क्योंकि पंचमेवा हमारा ख़त्म हो गया था। और ये भी बजरंगबली का लगाते हैं भोग, इस समय पूजा पाठ में थोड़ी ज़्यादा लग रहा है, तो पंचमेवा इकट्ठा काट करके रख लो ना तो सही रहता है। इसमें मिश्री मिला लेंगे, तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए जैसे मंदिर जाते हैं, कभी प्रसाद बना पाते हैं कभी नहीं बना पाते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद शुक्रवार को माँ भगवती का प्रसाद हमको क्या बनाना है, तो हम बना रहे हैं यहाँ पर रवे का हलवा। तो पहले रवे को हम देसी घी से अच्छे से भून लेते हैं, और देखिए वही वाली कढ़ाइया है रख दी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ना पेंदी से हल्की है, तो ज़रा ध्यान ना दो ना तो तुरंत जल भी जाता है। थोड़ी सी रवा लग गया था, ज़्यादा नहीं लगा था। इसके बाद रवा भूनने के बाद एक कटोरी हमने डाल दिया शक्कर, मेवा भी डाल दिए हैं, अच्छे से हमारा हलवा देखिए पक कर के तैयार हो जाता है। और रवे का हलवा बनाना ना बहुत ही ईजी है, देखिए थोड़ी सी लगा था लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। इसके बाद प्लेट में हमने थोड़ी सी घी लगा दिया था, घी लगाने के बाद ना ऐसे करके जमा देंगे 15-20 मिनट, इसको फैन के नीचे रख देते हैं, तो अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो ऐसे करके हम काट लेंगे। लेकिन पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 3:30 बजने वाले थे, हमको मंदिर भी पहुंचना है, क्योंकि वहां पर बहनें हमारी सब इंतज़ार करती रहती हैं, बेचारी सब रुद्राएं बनाती रहती हैं, और हमेशा हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर के इतने काम रहते हैं ना, कहती हैं सही से टाइम से नहीं आ पाते। तो हम सोच रहे हैं ऐसे ही प्लेट ले करके हम चले जाते, और ये सब काम करते करते ना आज हमारे दिमाग से हट गया था, खोज खबर करते रहें कि हमारी रेड साड़ी कहाँ है, लेकिन हाथ में रेड साड़ी आज नहीं आए, तो हम यही साड़ी पहन करके चले आए। और देखिए कुछ बहनों ने सब बना लिया था, हम भी थोड़ी बहुत रुद्राएं बना लिए हैं। इसके बाद पूजा पाठ का पूरा सामान निकालते हैं, हमेशा की तरह करते हैं यहाँ पर पार्थिव पूजन। तो सब बहनें थाली में सामान लेकर के बैठ गई हैं, और हमारी बहनें, आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी आप मायके जा रहे हो, बहुत ही अच्छा लगेगा, बुआ जी आप मायके जाइए। आप लोगों को ना पूरा इंतजार है, कोशिश तो यही है कि जाएं। डेली आपकी बुआ ना एक दो बार रो लेती है कि भोले बाबा बुला लीजिए, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल रही। भैया तो बोल रहा है, लेकिन जब भैया लखनऊ आ जाए तब तो समझे, अभी तक तो आए नहीं है। तो यहाँ पर अब कर रहे हैं भोले बाबा की आरती, आप लोग भी माता जी के भजन होने वाले, हर हर भोले बम बम भोले, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। भजन गाइए माता।
गाइस भोले बाबा को विसर्जन करके हम लोग आ गए। माँ भगवती की भी पूजा कर ली है और माँ भगवती की जोत भी जल गई, फूलों से सजा दिए हैं और आंटी जी हमारी ढोलक लेकर के बैठ गई हैं। आज हमारी आंटी जी सुनाएंगी बहुत ही सुंदर सुंदर भजन आप लोगों को। Thank you.
आंटी जी के सुनाए हुए भजन सुन करके मन खुश हो गया। आप लोगों को भी भजन बहुत ही पसंद आए होंगे। और जब आंटी जी गा रही थी ना ऐसे माता रानी के भजन, तो आँखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा साक्षात माँ भगवती दर्शन दे रही हैं। और दो भजन में तो हम इतना सुंदर नाचे हैं कि हमने वीडियो नहीं शूट किया। कभी कभी होता है ये माता रानी का करिश्मा हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, इतना हम मैया रानी में खो जाते हैं कि पूछिए नहीं। कुछ बहुत जन्मों का रिश्ता होगा हमारा मैया का। तो आज ना आंटी जी जल्दी पकड़ में नहीं आती हैं, जल्दी इनको टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब भजन सुनाती हैं ना इतने सुंदर भजन सुनाती हैं। तो यहाँ पर पूरे 3 घंटे हुए थे माता रानी के, भोले बाबा के, बजरंगबली के, गुरु जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, और इसके बाद होगी मैया की आरती, फिर लगेगा भोग। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। हर हर भोले, जय माता दी।